Question number three, coordination number of a cation occupying the octahedral and tetrahedral voids respectively are. हमसे क्या बोल रहे हैं, जो voids हैं उसमें हमने एक cation रख दिया है, ठीक है, उस void में कौन present है, cation. तो उस cation का coordination number क्या होगा? Obviously बात है, जो cation है वो उस void में present है. अब जो coordination number उस void का होगा वही तो उस cation का होगा, because cation किसमें present है, उस void में. तो जितने sphere से वो void surrounded है उतने ही sphere से वो cation भी surrounded होगा. So that means, अगर मैं octahedral void की बात करूं तो उसके लिए जो coordination number होता है वो कितना होता है, 6, क्योंकि वो octahedral void is surrounded by 6 spheres. Similarly, tetrahedral void की बात करूं तो अभी हमने देखा था tetrahedral void का coordination number कितना होता है, 4. तो अगर किसी atom को या cation को tetrahedral void में रखा है तो उसका coordination number भी कितना आएगा, 4. वो तो हमने देख लिया था tetrahedral void. अगर मैं octahedral void देखूं तो किससे बनता है, ये हमारे पास एक वही ट्राइंगुलर वॉइड क्रिएट करा हमने, ठीक है. पिछली बार हमने एटम इस ट्राइंगुलर वॉइड पे के ऊपर रख दिया था. टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कब होता है, जब इस ट्राइंगुलर वॉइड पे मैं एक स्फीयर रख दूं. लेकिन इस बार ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करना है तो मुझे इस ट्राइंगुलर वॉइड को बचा के रखना है. तो कैसे अरेंजमेंट करूं मैं? इसका एक सेकंड, ऐसे अरेंज करते हैं, ये मेरे पास ट्राइंगुलर वॉइड हो गया. ठीक है, अब ये जो स्पेस क्रिएट हुआ इसमें मैं क्या बना रही हूँ, दूसरी लेयर रख रही हूँ. अब ये जो स्पेस क्रिएट हुई है ये बना थोड़ा सा सही नहीं है, बट एक मैं दोबारा से करती हूँ. इस ट्राइंगुलर वॉइड को ठीक है, अब ये कुछ कुछ सही नहीं बन रहा है बट ठीक है, यहाँ देख लेते हैं. अब ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, मतलब तीन ट्राइंगुलर वॉइड जब मैंने अपराइट रखे हैं और अब ट्राइंगुलर वॉइड को मैंने उल्टा रख दिया, अपसाइड डाउन रख दिया, तो जो ये वॉइड क्रिएट हुआ है बीच में, ये बेसिकली क्या है, मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, ऐसी सही है. ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है बेसिकली वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो ये कितने स्फीयर से सराउंडेड है, ये वॉइड 6 स्फीयर से, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है. ठीक है, ओके. हाँ, अब सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा. ऑक्टाहेड्रल पहले पूछा है तो 6 और 4, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, सो जो भी कैटायन उस पर्टिकुलर वॉइड में प्रेजेंट है उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो उस वॉइड का है. तो अगर ट्राइंगुलर वॉइड में कोई कैटायन होता तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता, 3.